हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 13.3 टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, फोर्स में भी पुल और पुश। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे लग रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था एफ इजिकल्स टू एम इन टू ए, मीन्स यहाँ पे या तो पुल मिलेगा या पुश मिलेगा। ठीक है, तो ये किसने डिस्कवर किया था? वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द फील्ड इज सो प्रोड्यूस एक्सर्ट फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। अब क्या करना है हमने, अब जो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसके नीचे या उसके एरिया में जहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक और मैग्नेट रख देना है, या तो मैग्नेट दोनों की फील्ड सेम होगी। अगर फील्ड सेम होगी तो पुश करेगा, मींस या नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा। अगर फील्ड ऑपोजिट होगी तो पुल करेगा। ओके, तो हमने ये एक्टिविटी देखनी है। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे एम्पियर मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये मैग्नेट और ये जो फोर्स कैरिंग सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे फोर्स, मैं आपको एक सेटअप बना के दिखाता हूं। तो देखिए, ये मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट्स है, ये ठीक है, और ये छोटे मैग्नेट्स है। ये जो छोटे मैग्नेट्स है इनका काम क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को फोकस करेंगे जहां पे हमें चाहिए। अगर मैंने ये स्ट्रांग मैग्नेट ले लिया तो इसका एरिया ज्यादा है, तो मैंने यहां पे स्ट्रांग मैग्नेट के आगे स्मॉल मैग्नेट्स लिए हैं। ये आपको स्पीकर वगैरह में से मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैग्नेट है और ये हमारे पास वायर है, ये वायर है मेरे पास जिसमें दो एंड्स लगे हुए हैं, रेड पॉजिटिव एंड यहां पे व्हाइट इज नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा। ठीक है, सो दिस इज माय सेटअप। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैग्नेट्स रखे हैं और ये वायर है फ्रीली मूव हो रही है, ये देखिए आप फ्रीली मूव होएगी। ये वायर का और इस मैग्नेट का कोई लिंक नहीं है बिकॉज दिट इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये कॉपर की वायर है। तो यहां पे मैंने पॉजिटिव एंड लगाया है, ये हमने कौन सा लगाया है सॉरी नेगेटिव एंड। तो जब मैं इस पॉजिटिव एंड को और नेगेटिव एंड में से करंट को पास करवाऊंगा, आप ध्यान से देखिए क्या होगा, ये जो वायर है ये पुश लेगी या पुल लेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है मेरे पास। तो फर्स्ट केस में जब मैं ऑन कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, ये वायर ऊपर को आ रही है या नीचे को आ रही है, ऑन। अब इसको ऑन करूंगा तो ये रिपेल कर रही है, तो यहां पे रेड है हमारे पास इस साइड और ये इस साइड है नेगेटिव। ठीक है, तो जब मैं इसके टर्मिनल चेंज करूंगा, पहले जब हम इस टाइम कर रहे थे ये पुश कर रही थी, देखिए ये मेरे पास वायर है, ये मैग्नेट्स है। ठीक है, तो मैं जब ऑन करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, ऑन ऑफ। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड केस आई हैव चेंज द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यहां पे अब पॉजिटिव आ गया है और यहां पे नेगेटिव आ गया है। ठीक है, तो अब देखना, फर्स्ट केस में हमारे पास था पुश, अब सेकेंड केस में हमारे पास क्या आएगा, पुल। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता लगता है कि व्हेनेवर करंट इज मेड टू पास टुवर्ड्स दिस साइड, करंट यहां से पास हो रहा है आई,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो हमें मिलेगा पुश। अगर हम करंट की डायरेक्शन इस साइड से कर देते हैं आई, तो पुल मिलेगा। मीन्स इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि पुश जो है वो पुल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन हो जाएगी, या अगर रिपेल कर रहा है तो वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल अल्यूमिनियम रॉड, मैंने रॉड की जगह एक वायर ली है अबाउट 5 सेंटीमीटर, यूजिंग कनेक्ट टू वायर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली। ये जो डायग्राम है, बस डिफरेंस इसमें यही है, इन्होंने हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया, लेकिन मैंने एक सिंपल मैग्नेट लिया है। ठीक है, तो अब यहां पे कंक्लूजन हमने पढ़ना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड, वहां पे क्या लग रही है फोर्स, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाती है। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर हम फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, मींस पहले नॉर्थ टू साउथ ऊपर को था, अब साउथ टू नॉर्थ नीचे को है। ठीक है, इंटरचेंजिंग टू पोल्स, वंस अगेन इट इज ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दो चीजों पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली पोर्शन टू आई या डायरेक्टली पोर्शन टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज डायरेक्टली पोर्शन टू बी एंड आई, मैथमेटिकल है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर के, तो मैग्नेट बिल्कुल नीचे थे, ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल 90 होगा, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स उसका हिलना, बिल्कुल ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, दिस कंडीशन वी कैन यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। थैंक यू।